आज हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट मोटर्स की। जी हाँ, रिवोल्ट मोटर्स, ना कि रिवोल्ट मोटर्स, जो लेकर आ रही है भारत में मौजूद सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक। जी हाँ, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलेगा ओला और एथर से कई गुना ज्यादा रेंज, यानी इसमें आपको सिंगल चार्ज में कंपनी के दावे के अनुसार 280 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में ए टू जेड सब कुछ। सबसे पहले आपको बता दें कि रिवोल्ट मोटर्स काफी लंबे समय से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और स्कूटर पूरी तरह से मेड इन इंडिया होने वाली है और इसका नाम होगा NX100। कंपनी ने फिलहाल इस स्कूटर का अपडेट देना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहला अपडेट कंपनी द्वारा ये किया गया है कि इसमें आपको 280 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें लगा होगा 4 बैटरी पैक और हर बैटरी पैक से आपको मिनिमम 70 किलोमीटर तक का रेंज देखने को मिलेगा। और दूसरे अपडेट की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको कैमरा दिया जाएगा, ताकि अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोलिजन होता है राइडिंग के दौरान, तो उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी और बाद में आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऐसा फीचर दिया गया है कि आप पर्सन के हिसाब से उसके प्रोफाइल को डिजाइन कर सकेंगे, यानी उस पर्सन को कितनी रेंज और स्पीड देनी है सब डिसाइड कर सकते हैं। साथ में इसमें मिलेगा बेल्ट ड्राइव मोटर, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक। इसके अलावा इसमें कंपनी प्रॉक्सिमिटी लॉक और अनलॉक भी देगी। और सबसे बेहतरीन और यूनिक चीज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की यह होगी कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बूट को बिना टच के ओपन कर सकते हैं, यानी आपको साइड स्टैंड के पास एक सेंसर दिया जाएगा, जिसके पास अगर आप अपना लेग ले जाते हैं तो आपका बूट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। साथ ही कंपनी ने इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत से अपडेट दिए हैं। बात करें इसकी कीमत और लॉन्चिंग की, तो कंपनी इसे 2023 में लॉन्च कर सकती है और वहीं इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स कैसे लगे हमें कमेंट में बताएं।